स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आएगा तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप PMC में अगर किसी का खाता है और अगर वो पर्सन एक्सपायर हो जाता है और उसी के अगर वाइफ का भी उसी में खाता है तो कैसे आप जो पर्सन एक्सपायर हो गए हैं उसके खाते से पैसे निकाल के जो उनकी वाइफ है उनके खाते में कैसे डाल सकते हैं, वो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये आफ्टर डेथ का प्रोसीजर है, ताकि ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ दोस्तों कि जो भी ये करवाना चाहता है वो वन शॉट में उनका काम हो जाए, उनको 4 से 5 दिन बर्बाद ना हो। मैं इसके लिए दोस्तों बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है उसी के ही वीडियो बनाता हूँ मैं। शुरू करता हूँ दोस्तों। अगर पर्सन एक्सपायर हो गया है जिसका सेविंग अकाउंट है, उनको ट्रांसफ़र करने अपने पैसे अपने वाइफ के खाते में जो कि PMC में उनका भी खाता है, उसके लिए जो फॉर्म लगेंगे आपको, फॉर्म का नाम है Appendix No. 14, Appendix No. 15, ये दोनों ही फॉर्म आपको भर के देना है दोस्तों। PMC में दोस्तों अगर आपको कोई मदर उनकी आ नहीं सकती है तो आप बैंक वाले को गुजारिश कर सकते हैं कि मेरे साथ चलिए और घर पे वो तहकीकात कर सकते हैं दोस्तों। तो जो एग्जिस्टिंग पर्सन जो भी गुजर गया है दोस्तों, उनका आपको जो कार्ड वगैरह है डेबिट कार्ड वापस देना पड़ेगा, चेकबुक भी वापस देना पड़ेगा और पासबुक भी अगर रहेगा तो वो भी देना पड़ेगा दोस्तों, वो आपको हैंडओवर करना पड़ेगा बैंक में, ठीक है दोस्तों। ये आपको डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना है। जो विटनेस हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनाने वाला हूँ मैं आपको, जो विटनेस है अगर वो PMC में उनका खाता है तो आप उनका अकाउंट नंबर उसमें डाल सकते हैं, उनका साइन लगता है। अगर उनका खाता नहीं है तो आपको KYC देना पड़ेगा, अदर देन PMC अगर पर्सन है तो उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड और वो सेल्फ अटैच होना चाहिए दोस्तों। मैं रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर PMC में खाता है किसी पर्सन का तो वो डायरेक्टली विटनेस में वो अकाउंट नंबर उसमें डाल सकते हैं, साइन करा सकते हैं। अगर PMC में उनका खाता नहीं है तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड पे सेल्फ अटैच करके दो लोगों का जेरोक्स करके उनको देना पड़ेगा विटनेस के नाम पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको रेवेन्यू स्टैम्प जो है दोस्तों, 1 रुपये वाला या 2 रुपये है, वो आपको लेना है। रेवेन्यू स्टैम्प पे आपको हाफ जो है सही करनी है, अंदर और बाहर, जो जिसमें आपको खाते में पैसा चाहिए वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, मैं ये इन्फॉर्मेशन सबको देना चाह रहा था। ये आफ्टर डेथ का प्रोसेस है अगर आपको सेविंग अकाउंट क्लोज करवाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आएगी तो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू।